गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 4 फ्रैक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट 9 सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, रिड्यूस द डिफरेंस टू द लोएस्ट टर्म इफ़ पॉसिबल। मीन्स कि फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, अगर लोएस्ट टर्म में नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर ए, 42/79 फ्रॉम 68/79। मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है 42/79 को 68/79 से। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिखेंगे, 68/79 माइनस 42/79। अब यू कैन सी बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर 79। सो टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी सब्ट्रैक्ट ओनली न्यूमरेटर एंड पुट द कॉमन डिनोमिनेटर। इट मीन्स कि 68 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 76 इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 79। नाउ आप देखिए 26/79 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, क्योंकि 26 का फैक्टर है 1, 2, 13 और 26, और 79 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर है 1 और 79। इट मीन्स कि कॉमन फैक्टर केवल 1 है, मीन्स कि 26 और 79 का SCF 1 है। मीन्स कि ये फ्रैक्शन जो है लोएस्ट टर्म में ही है, खुद इसको लोएस्ट टर्म में करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आंसर आपका स्टूडेंट्स, 26/79 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, 7/15 फ्रॉम 13/20। इट मीन्स 13/20 माइनस 7/15। नाउ बोथ फ्रैक्शंस आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। सो फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 20 एंड 15। तो LCM ऑफ 20 एंड 15 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 3 = 60। इन दिस वे वी फाइंड द LCM ऑफ 20 एंड 15, एंड LCM इज 60। नाउ टू कन्वर्ट देम इंटू लाइक फ्रैक्शन वी राइट 13/20 = 13 × 3/20 × 3। वाई? बिकॉज वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 60। तो 20 × 3 = 60, देन 13 × 3 = 39। दिस मीन्स कि 13/20 = 13/39/60। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसी ढंग से 7/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेंगे, 7 × 4/15 × 4। 4 से क्यों किए मल्टीप्लाई, क्योंकि 60 लाना है डिनोमिनेटर को, तो 15 × 4 = 60। तो डिनोमिनेटर में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही सही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका 28/60। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, 39/60 एंड 28/60। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट 39/60 − 28/60 = 39 − 28/60, क्योंकि जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर को माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन लिखते हैं। 60 डिनोमिनेटर, तो एक डिनोमिनेटर लिखते हैं 60 = 11/60। अगेन 11/60 इज इन लोएस्ट टर्म बिकॉज देर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का फैक्टर है 1 और 11, और डिनोमिनेटर का है 1, 2, 4 जो भी है, लेकिन केवल कॉमन फैक्टर 1 ही है। इट मीन्स कि 11/60 ये लोएस्ट टर्म में है। तो यही आपका आंसर हो गया। सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, 10/52 फ्रॉम 19/26। सॉल्यूशन, 19/26 − 10/52। वी विल सब्ट्रैक्ट 10/52 फ्रॉम 19/26। अगेन
both are not like fractions, they are unlike fractions because denominators are different. So LCM of 26 and 52 equal to 2 into 2 into 13 equal to 52. In this way we find the LCM multiplied to 2 and 13. So we have to make the denominator 52 to make them like fractions. So we can write 19 by 26 equal to 19 into 2 by 26 into 2. Why? Because 26 into 2 equal to 52, we have to make denominator equal to 52, equal to LCM. तो 38 by 52, तो 19 by 26 का like fraction हो गया, मतलब equivalent fraction हो गया 38 by 52, और 10 by 52 equal to 10 into 1 by 52 into 1, क्योंकि 52 इसका denominator खुद है, 52 बनाना है, तो 1 से ही multiply करेंगे, तो 10 by 52, now both are like fractions. Now we subtract 19 by 26 minus 10 by 52 equal to 19 by 26 के बदले क्या लिखेंगे students, 38 by 52. तो 38 by 52 minus 10 by 52 equal to 38 minus 10, like fraction में है तो numerator को minus करते हैं, तो 38 minus 10 by 52, दोनों common denominator 52 52 है तो एक ही 52 लिखते हैं, इक्वल टू 28 बाई 52. नाउ 28 बाई 52 इज द डिफरेंस, बट दिस इज नॉट इन स्मॉलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू लोएस्ट फॉर्म. तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों का HCF से डिवाइड करते हैं. 28 और 52 का जो HCF होगा वो 4 होगा, मतलब 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. तो इफ़ यू डिवाइड 28 एंड 52 बाई 4, द फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म. देखिए 28 डिवाइडेड बाई 4 बाई 52 डिवाइडेड बाई 4, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 7, एंड 52 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 13. अब 7 बाई 13 देखिए लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, 1 और 7 इसका फैक्टर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 1 और 13 इसका फैक्टर है, तो 1 केवल कॉमन हुआ, इसका मतलब ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है. तो इस प्रकार से आंसर हो गया स्टूडेंट्स. तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे पार्ट 10 में. तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए. और अगर यह मैथ्स वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. धन्यवाद.